वो सीए भी नीचे ऐड कर देते हैं कि इतना कैश इन हैंड है और उसको शो करते हैं कि आपके पास एज ए सेट शो करते हैं पर मैं आपको जो एक बात जो बताना चाहता हूं वो ये है कि जो कैश इन हैंड है उसका कोई प्रूफ नहीं होता तो वो तो सिर्फ कैश है वो तो उसका कहीं पे एंट्री नहीं है बैंक स्टेटमेंट में या कोई भी उसका जैसे एफ नहीं है तो उसको उसका कोई इतना बेनिफिट नहीं होता तो उसका बेटर है कि कईयों के कई लोग बहुत ज्यादा कैश इन हैंड दिखाते हैं तो उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलता उनको क्योंकि जो कैनेडियन गवर्नमेंट है जो कैनेडा की जो वीजा ऑफिसर है वो जो सि, जिसका सिर्फ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है उसी को वो वेटेज देते हैं उसी को वो रियल मानते हैं और उसको ही सच मानते हैं तो इसलिए जो ज्यादा कैश इन हैंड दिखाने का कोई बेनिफिट नहीं होता तो तो बेटर यही होगा कि जो भी आपके पास कैश है या जो भी आपके पास पैसा पड़ा है वो उसको आप बैंक में दिखाइए आप थोड़ा टाइम लगाइए अपनी बैंक स्टेटमेंट बनाने में बैंक स्टेटमेंट बनाने में और उसको जो धीरे धीरे अपना जो कैश है वो आप बैंक में ऐड करवा के उसको आप एज ए बैंक स्टेटमेंट दिखाइए बैंक बैलेंस दिखाइए कि मेरे पास इतना बैंक बैलेंस है तो इसका जो कैश इन एंड का पॉजिटिव की जगह नेगेटिव असर पड़ता है आपके सी स्टेटमेंट में तो बेस्ट यही है कि आप उसको आ, आ, कैश इन हैंड को बैंक में दिखाने की कोशिश करिए और बैंक में फंड्स अपने दिखाने की कोशिश करिए तो अगर आप सी ए रिपोर्ट में अगर कैश इन हैंड ज़्यादा दिखाते हैं तो उसका नेगेटिव ये पड़ता है कि पहले तो वो मतलब अन मनी में माना जाता है तो वो एक बड़ा नेगेटिव असर डालता है वीजा ऑफिसर में तो वो आपको वीजा ग्रांट करने में इसकी चाहेगा तो प्लीज़ इस चीज़ का आप ध्यान रखिए तो ये था मेरा आज का वीडियो उम्मीद करता हूं कि आपको इसमें से कुछ ना कुछ बेनिफिट हुआ होगा ये वीडियो देख के आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर मिला होगा तो इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं जैसे मैं हर अपने वीडियो पे बताता हूं कि मैंने आपके लिए ये बुक लिखी है जिसमें मैंने सारे आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हुए हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने और उनका स्पेसिमन भी दिया हुआ है सैम्पल सारा कुछ दिया हुआ है जिसको आप देख के अपने आप अपनी फाइल बना सकते हैं किसी एजेंट या कंसल्टेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है इस बुक की कीमत है सिर्फ चार सौ पचास फोर हंड्रेड एंड फिफ्टी रुपीज होंगी जो आप मुझे पे या बैंक ट्रांसफ़र से या गूगल पे से भी भेज सकते हैं और जैसे ही आपकी पेमेंट मुझे मिलेगी तो मैं आपको ये जो बुक है आपको आ, आपके एड्रेस पे कुरियर या रजिस्टर्ड पार्सल के थ्रू भेज दूंगा इसी तरह एक बुक मैंने ये भी लिखी है जिसमें मैंने वर्क परमिट के बारे में बताया कि आप कनाडा का वर्क परमिट कैसे ले सकते हैं कौन कहाँ से जॉब अपनी ढूंढ सकते हैं कैसे आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और एल के लिए अप्लाई कर सकते हैं उसके बाद आपने अपना जो फाइल है कैसे बनानी है वर्क परमिट के लिए कौन कौन से फॉर्म भरने हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं और क्या क्या डिटेल्स जो आपको चाहिए पता होना चाहिए वो इस इस बुक में सारी दी हुई है इसकी कीमत भी सिर्फ चार सौ पचास रुपए है फोर हंड्रेड एंड फिफ्टी रुपीज ओनली ये भी आप मुझे गूगल पे या पे या बैंक ट्रांसफ़र के द्वारा भेज सकते हैं और मैंने जो पेटीएम और गूगल पे नंबर है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ आप वहाँ पे पेमेंट करके मुझे जैसे ही इन्फॉर्म करेंगे मैं आपको आपके एड्रेस पे ये बुक कोरियर या रजिस्टर्ड पासवर्ड के द्वारा भेज दूँगा के बाद जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी कैनेडा की टूरिस्ट वीज़ा की फाइल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरा फ़ोन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में किया दिया हुआ है आप मेरे से फ़ोन करके मेरे से अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करके आप आके ऑफिस में अपनी जो फाइल है फ्री ऑफ कॉस्ट बनवा सकते हैं तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करने पे जो बेल आइकॉन आता है उसको आप प्रेस कर दीजिए ताकि आपको जो नई वीडियो की नोटिफिकेशन है या इन्फॉर्मेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे तो ये था मेरा आज का वीडियो ओके बाय